हेलो एवरीवन, अभी तक हमने सीखा कि हम कोई भी डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन से जनरेटिंग फंक्शन कैसे डिटरमाइन करें। अब हम सीखेंगे कि हमारे पास एक जनरेटिंग फंक्शन दिया हुआ है और उस जनरेटिंग फंक्शन से हम डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन और से न्यूमेरिक फंक्शन कैसे डिटरमाइन करें। तो हम एक एग्जाम्पल करते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। सो इसमें क्या लिखा है, फाइंड न्यूमेरिक फंक्शन फॉर ए जेड इज इक्वल टू 2 upon 1 plus 2z 1 minus 2z। हमको न्यूमेरिक फंक्शन डिटरमाइन करना है फॉर दिस जनरेटिंग फंक्शन। जनरेटिंग फंक्शन ये कौन सा है, ए जेड इज इक्वल टू 2 upon 1 plus 2z into 1 minus 2z। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड करेंगे। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए अपॉन 1 plus 2z एंड प्लस बी अपॉन 1 minus 2z। सो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 plus 2z और 1 minus 2z को और इस साइड, और ए और बी की वैल्यू आप निकालना जानते ही होंगे। तो जब हम ए और बी की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे तो ए की जो वैल्यू है वो आएगी हमारी 1 और बी की भी वैल्यू आएगी वो होगी हमारी 1। आप देख सकते हैं कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को, ये जो डिनोमिनेटर है इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा 1 into 1 minus 2z और यहाँ पे हो जाएगा b into 1 plus 2z, और हमारा ये कोएफिशिएंट रह जाएगा हमारा राइट जो लेफ्ट हैंड साइड 2। और हम फिर z की डिफरेंट वैल्यू पुट करके a और b की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। तो a और b की जो वैल्यू आएगी वो 1 मैंने डायरेक्ट कर लिया, बिकॉज मैं जानता हूं कि अगर a और b की जगह मैं 1 पुट करूंगा तो 1 plus 2z और 1 minus 2z ये तो डिनोमिनेटर में ऐसे ही आ जाएगा प्रोडक्ट के फॉर्म में। और जब हम 1 plus 2z और 1 minus 2z ऊपर आएगा तो 2z से 2z हमारा कैंसल हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा जो कि न्यूमरेटर में है वो 2। सो ये हमारा सेम एज इट इज आ जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट ए और बी की जो वैल्यू है उसको 1 कंक्लूड कर दी। अब मैं बता रहा हूं इसके बाद क्या करना है। अब हमको ए की वैल्यू पता पड़ गई और बी की, सो हम लिखेंगे 1 upon 1 plus 2z प्लस 1 upon 1 minus 2z। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम इसको थोड़ा एक्सपेंड करेंगे बायनोमियल एक्सपेंशन की हेल्प से। सो हम जानते हैं 1 plus x और 1 upon 1 plus x का एक्सपेंशन, और हम जानते हैं 1 upon 1 minus x का एक्सपेंशन। सो हम उसके यूज से इसको एक्सपेंड करेंगे। सो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे इस वाली टर्म को, तो आएगा हमारा 1 minus 2z प्लस 2z का होल स्क्वायर माइनस 2z का क्यूब एंड दिस सीरीज विल गो सो ऑन। और जब हम इस पार्ट को एक्सपेंड करेंगे, सो आप जानते हैं ये 1 upon 1 minus x का क्या होता है एक्सपेंशन, 1 upon 1 plus x का तो ऐसा रहता है 1 minus x plus x square minus x cube, मतलब अल्टरनेट में साइन हमारे होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। और 1 upon 1 minus x का भी आप जानते हैं फ्रेंड्स एक्सपेंशन क्या होता है, 1 upon 1 minus x का एक्सपेंशन होता है 1 plus x plus x square एंड सो ऑन। सो इसका जो एक्सपेंशन होगा वो आएगा हमारा, ये तो हो गया इसका एक्सपेंशन, जो दूसरा एक्सपेंशन होगा वो आएगा हमारा 1 plus 2z, फिर आएगा प्लस 2z का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल क्यूब एंड सो ऑन। सो ये सीरीज जाएगी। सो हम देख सकते हैं अब इसको हम समेशन वाली सीरीज में, जो समेशन फॉर्म थी हमारी उसमें हम कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो जो हमारी जनरेटिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का, जो हमारे जनरेटिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करने की जो जनरल फॉर्म होती है उसमें हम इन दोनों को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। सो पहले इसको कोशिश करते जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने की, जो कि जनरेटिंग फॉर्म की, जनरेटिंग फंक्शन की जनरल फॉर्म होती है। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 to infinity, और ये क्या है हमारा माइनस 2z टू द पावर आर।
अब देखिए जब आर की वैल्यू जीरो होगी तो ये हो जाएगा वन, तो वन, आर की वैल्यू वन होगी तो ये हो जाएगा माइनस टू जेड, आर की वैल्यू जब टू होगी तो ये हो जाएगा माइनस टू जेड का स्क्वायर, और माइनस टू जेड का स्क्वायर में माइनस हमारा कैंसल हो जाएगा, तो इसको हम प्लस का टू जेड स्क्वायर भी कह सकते हैं। जब आर की वैल्यू होगी थ्री तो ये हो जाएगा माइनस टू जेड का क्यूब, और माइनस टू जेड के क्यूब में माइनस बाहर आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं माइनस माइनस का टू जेड का क्यूब। सो ये हो गई हमारी सीरीज, समेशन ऑफ सीरीज का जो जनरल फॉर्म है वो हो जाएगा हमारा समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी ऑफ वन माइनस माइनस टू जेड टू दी पावर आर। अब इसका हम जनरल फॉर्म डिटरमाइन करते हैं समेशन फॉर्म में। सो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, इसका जनरल फॉर्म होगा समेशन फ्रॉम आर इज इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी, और उसके बाद आएगा हमारा टू जेड टू दी पावर आर, बिकॉज जब हमारी आर की वैल्यू हम जीरो पुट करेंगे सो ये हो जाएगा वन, ओके, और फिर जब हम आर की वैल्यू वन पुट करेंगे तो ये हो जाएगा टू जेड, और जब हम आर की वैल्यू टू पुट करेंगे सो ये हो जाएगा टू जेड स्क्वायर। सो इस तरह हम इन दोनों जो सीरीज है, इन दोनों बायनोमियल जो एक्सपेंशन करे थे हमने, उससे जो दो सीरीज आई थी उसको हमने जनरेटिंग फंक्शन के जनरल फॉर्म के समेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने इन दोनों को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया समेशन के, अब हम क्या करेंगे, अब हम ए आर निकालेंगे। ए आर क्या होता है, ए आर होता है हमारा डिस्क्रीट न्यूमरिक फंक्शन और से न्यूमरिक फंक्शन। अब वो हम कैसे निकालेंगे, अब हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर इसको हम देखें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस टू टू दी पावर आर और जेड टू दी पावर आर, और उसी तरह हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टू टू दी पावर आर और जेड टू दी पावर आर। अब आप एक बात देखिए फ्रेंड्स, दैट दोनों टर्म में समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी कॉमन आ रहा है, इसमें भी समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी, और इसमें भी इस वाली टर्म में भी, और दोनों टर्म में जेड टू दी पावर आर है और इस वाली टर्म में भी जेड टू दी पावर आर है। सो दोनों टर्म में समेशन पार्ट सेम आ रहा है और जेड टू दी पावर आर सेम आ रहा है। सो जो सेम आ रहा है उसको हम मेंटेन करते हैं। कैसे मेंटेन करेंगे फ्रेंड्स, देखिए समेशन फ्रॉम आर इज इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी, अब हमारा कौन सी चीज जो है जो कॉमन नहीं आ रही, ये दो चीजें हमारी कॉमन नहीं आ रही, सो हम इसको क्या लिख देंगे, माइनस टू टू दी पावर आर, और ये कौन सा है, प्लस टू टू दी पावर आर, बिकॉज दोनों के बीच में प्लस का साइन है ना, इसलिए हमने प्लस का साइन यहां पे कर दिया, इन दोनों के बीच में माइनस टू टू दी पावर आर और प्लस टू टू दी पावर आर। उसके बाद कॉमन क्या आ रहा था, हमारा कॉमन आ रहा था जेड टू दी पावर आर। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा जनरेटिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म ये होता है समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी और ए आर, फिर आता है जेड टू दी पावर आर। अब आप जब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपका ए आर क्या आ रहा है फ्रेंड्स, ए आर आ रहा है ये, और जेड टू दी पावर तो एस इट इज है ही, और समेशन भी हमारा यहां पे है। सो हमारा ए आर क्या आ गया फ्रेंड्स, हमारा ए आर आ गया इन दोनों को कंपेयर करने के बाद, वो होगा माइनस टू टू दी पावर आर प्लस टू टू दी पावर आर। अब आप देख सकते हैं जब भी हम आर की जगह ऑड नंबर प्लेस करेंगे, जब भी हम आर की जगह जगह ऑड नंबर प्लेस करेंगे तो हमारा जीरो आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप आर की जगह थ्री प्लेस करके देखिए, तो जब हम आर की जगह थ्री प्लेस करेंगे तो क्या आएगा, ए थ्री, तो माइनस टू का क्यूब माइनस एट और टू का क्यूब एट, सो प्लस एट, सो ये हो जाएगा जीरो। उसी तरह फाइव सेवन नाइन जितने भी ऑड नंबर प्लेस करेंगे तो सो हमारी ए आर की वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी इनकेस आर ऑड है। अब बात करते हैं अगर आर इवन ले रहे हैं हम तो क्या होगा, अगर आर इवन ले रहे हैं तो आप देख लेते हैं, सपोज हमने लिया आर इज इक्वल टू टू, सो आर इज इक्वल टू टू पे देखते हैं ए टू की वैल्यू क्या मिल रही है, तो ये हो जाएगा माइनस टू का होल स्क्वायर, माइनस टू का होल स्क्वायर क्या होगा फोर, और टू का स्क्वायर क्या होगा फोर, जो कि आ रहा है एट,
तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 2 into 2 की पावर 2, 2 into 2 की पावर 2, और वी कैन से इट एज 2 to the power 3, इसको हम 2 की पावर 3, मतलब हमने अगर r 2 रखा तो हमको जो पावर में 3 आ रहा है, अगर हम r को 4 रखेंगे तो हमको पावर में 5 आएगा। आप देख लीजिए, बिकॉज क्या होगा कि जब भी हम इवन पावर रखेंगे तो ये माइनस का साइन होगा वो कैंसिल हो जाएगा, माइनस का जो साइन होगा वो कैंसिल हो जाएगा और दोनों टर्म सिमिलर सी हो जाएंगी, और जब दोनों टर्म सिमिलर सी हो जाएगी तो एड करते टाइम पे वो दोनों कंबाइन हो जाएगी और एक 2 मल्टीप्लाई होगा, जैसे इसमें हुआ एक 2 मल्टीप्लाई होगा 2 to the power r में, 2 to the power r में एक 2 मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा 2 की पावर r+1। सो हम क्या कह सकते हैं, वो ये है कि ar हमेशा 0 होगा इन केस r इवन है, वो सॉरी r ऑड है फ्रेंड्स, r ऑड है, और ए आर हमेशा क्या वैल्यू देगा 2 to the power r+1 when r is even, r is even हमने देखा। अब हम r is equal to 2 रख रहे हैं तो हमको 2 to the power r+1 मिल रहा है, अब हम r is equal to 4 रख के देखना तो हमको 2 to the power 5 मिलेगा, that is 32। so in this case, in this method we can determine न्यूमेरिक फंक्शन फ्रॉम अ गिवन जनरेटिंग फंक्शन। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल।